तीन दिन से हो रही बारिश की वजह से शहर के कई स्कूल ऐसे हैं जहां छत से टपकते पानी के बीच शिक्षकों को बैठना पड़ रहा है। हम आपको ऐसे ही एक विद्यालय के दृश्य से अवगत करवाते हैं। शहर के महावीर नगर विस्तार योजना स्थित केशवपुरा आवासन मंडल विद्यालय, जिसका भवन 1999 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसकी स्थिति काफी खराब है। छतों का प्लास्टर अपनी जगह छोड़ चुका है। यही नहीं, छत से बरसाती पानी टपक रहा है। स्कूल का कोई कमरा ऐसा नहीं है जो ठीक स्थिति में हो। कमरों को छोड़िए, बरामदे की हालत भी काफी खराब है। बरामदे में शिक्षक बैठे हैं, जहां भी छत का प्लास्टर उखड़ कर उनके ऊपर गिरता रहता है। कंप्यूटर रूम की भी यही स्थिति है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि टेबल पर किस तरह छत का प्लास्टर टूटकर गिरा हुआ है। यही नहीं, किताबों को रखने के लिए भी जो स्टोर रूम है, वहाँ भी खिड़की टूटी हुई है और पानी भरा हुआ है, किताबें भीग रही हैं। यही स्थिति सरकारी विद्यालय की है। इस विद्यालय की प्राचार्य से जब हमने इसके संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई बार जिला कलेक्टर प्रशासन, शिक्षा विभाग, UIT और निगम को इस समस्या से अवगत करवा दिया जा चुका है, लेकिन आज तक स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। अभी कोरोना के चलते छात्र विद्यालय नहीं आ रहे हैं। यदि सामान्य स्थिति में यह हालात होते तो छात्रों की छुट्टी करवानी पड़ती। यदि भामाशाह के माध्यम से हम काम करवाएं तो वह नहीं करा सकते, क्योंकि कोरोना के चलते कोई भामाशाह भी हमें नहीं मिल रहा। सरकार ही इस कार्य को पूरा करवा सकती है। विद्यालय टपक रहा है, हर रूम में पानी है और हमारा कॉरिडोर में भी पानी है, स्टाफ रूम में भी, कंप्यूटर रूम में भी, और सारी छतें भी उखड़ी हुई हैं। प्लास्टर अंदर की साइड से सरिये दिख रहे हैं, तो ये सेफ भी नहीं है। और दूसरी बात, अभी बच्चे नहीं आ रहे तो इसलिए ये काम चल रहा है, लेकिन जब बच्चे आएंगे तो उस समय शायद हम उनको पढ़ा भी नहीं सकते, यहाँ पर बिठा भी नहीं सकते। इस समय अगर बच्चे होते, अगर इस समय, तो फिर क्या स्थिति होती है? हमें बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है, क्योंकि हम उनको नहीं बिठा पाते ऐसी स्थिति में। इस समय आपने विभाग कभी सोचा? हमने UIT को और विभाग को, नगर निगम को, कलेक्टर साहब को, हमने जहाँ भी हम है ना लेटर लिख सकते थे, हमने सब जगह लिखा है, समसा को भी लिखा है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है तो